अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मी एंड वॉल यू वॉच योर मॉम इन सब वर्ल्ड। आई होप सब खैर और आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत सेहत तंदुरुस्ती और अता फरमाए, आमीन एंड सुम आमीन। एंड वीडियो को आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। एंड बहुत अफसोस के साथ कहना पड़े, ये हिलाल सहरी और इसके बाद फिर रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह पाक हम सबको अगले साल ज़रूर ज़रूर रमज़ान की तौफीक अता फरमाए और आप सबको भी, और आप सब ने बहुत ही दुआएं की होगी। ठीक है, ये है लास्ट इफ्तारी और कुछ ख़ास नहीं बना था क्योंकि लास्ट इफ्तारी था तो बहुत से काम बहुत बाकी थे तो इसलिए ईद नहीं था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी है बहुत है, अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये माशाल्लाह से इतना प्यारा मौसम बना था चांद रात वाली शाम, और फिर उसके बाद आज से स्टार्ट है डस्टिंग की। ओ माय गॉड, डस्टिंग ऑलवेज डन हो गई थी, बस कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, पता नहीं क्यों पूरा फेस्टिवल तक वो पूरी ही नहीं होती है, तो वही बस उसमें लगी हुई थी। थोड़े बहुत टाइम बचे हुए थे इफ्तार, दैन उसके बाद हम लोग गए अफ्तारी करके नमाज़ अदा करने के बाद छत पर, और माशाल्लाह से बहुत प्यारा मौसम बना हुआ था। बट चांद देखने गए और चांद का दीदार नहीं हुआ, थोड़ा सा अफसोस था, लेकिन हाँ ठीक है, सऊदी अरबिया में ईद हो चुकी है तो इंडिया में भी ईद हम सब सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे 22 को, तो थोड़ा सा ग्लिप्स मोमेंट था और बहुत देर से पटाखे बज रहे थे, बहुत प्यारा अच्छा लग रहा था। मतलब चाहे जो भी फेस्टिवल क्रैकर जब भी होते हैं सेलिब्रेशन अलग हो जाता है, अच्छा लग रहा था। तो अब ईद है और माशाल्लाह से चांद रात है तो डेकोरेशन तो बंद ही है, हमने अपने रमज़ान मुबारक के लिए भी बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी तो इसलिए हमने रमज़ान ईद के लिए भी डेकोरेशन की। तो यहाँ पर कुछ कटिंग हो रही हैं स्टार्स की डेकोरेशन करने के लिए, छोटी स्टार्ट कर रही है एंड देन हमारे स्टार करके प्रिपेयर हो गए हैं। अब इसको हम एक वन बाय वन करके अपने वॉल में पेस्ट अप करेंगे। एंड हमने एक सिल्वर डोरी ले ली है और सिल्वर डोरी करने के बाद इसको हम असेंडिंग ऑर्डर्स में लगाएंगे, और लगाने के बाद देखिएगा आप कैसा लगेगा। एंड आपको क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगी क्या नहीं अच्छी लगी मुझे कमेंट करके बताना, आप बिल्कुल भी ना बोलें। और ये है हमने अपनी मिरर्स के लिए लाइटिंग ली हुई है, बहुत प्यारी लग रही थी दैन इसलिए हमने ये लाइटिंग ली हुई है। और यहाँ पर मैं पेस्टिंग करनी स्टार्ट कर दी हूँ, इट्स ऑल अबाउट 1 AM। दैन यहाँ पर मैं अपनी मिरर्स को की कवर हटा रही हूँ, मिरर का दीदार हो रहा है एंड देन इसमें लाइटिंग लगा लिया है, और देन लाइटिंग लगाने बस चेक कर रहे थे सारे कलर्स माशाल्लाह से अच्छे लग रहे थे तो ठीक है। मैंने सोचा हुआ था कि इस बार मिरर लगाएंगे, मेरे रूम में मिरर नहीं था इसलिए, तो स्टार भी पूरी लग गए अच्छी से, प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे चल रही है स्विमिंग की प्रिपरेशन, ऑल अबाउट 3 AM, ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी और इसीलिए स्विमिंग की प्रिपरेशन हो रही थी, तो स्विमिंग प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट किए जा रहे हैं। सेवई की जो भी प्रिपरेशन है मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। एंड ये मेरा है किचन का हार्ड वर्क, जो मैं यहाँ पे कंटेनर्स लेकर आई थी वो कंटेनर्स हैं, और जितने भी हार्ड वर्क थीम हो साफ सफाई वो सारी चीज़ें, दैन रूम भी सेकंड रूम भी क्लियर हो गया है। माशाल्लाह से फेस्टिवल में एक अलग रौनक होती है, सबके घर में एक अलग रौनक होती है, एक अलग चमक होती है, तो वो भी अच्छे लगते हैं। और मैं अपने रूम्स का कर्टन अब सेटअप कर रही हूँ, मतलब करते करते 4:30 हो चुके थे लेकिन अच्छा लग रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी लेकिन ठीक लग रहा था, काम तो काम होते हैं। एंड ये है फाइनल लुक, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसे लगे मेरे हार्ड वर्क। दैन यहाँ पर सेवई को ब्राउन किया जा रहा है, मतलब अच्छी तरीके से भूंजा जा रहा है, तो सेवई का मैं पूरा पूरा व्लॉग आपको ईद के व्लॉग्स में ज़रूर शेयर करूँगी। सबके अलग अलग तरीके से बनती हैं सेवई, बट हमारे जैसे बनती है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं सारे काम को फिनिश करने के बाद सुबह के 9:30 मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन मेहंदी बिना ईद अधूरी सी लगती है,
और पूरे साल इंतज़ार होता है कि ऐसे आप लगा नहीं सकते हैं। तो हाँ, होली पे भी मैं लगाती हूँ, लेकिन ठीक है, इसकी एक्साइटमेंट मेरी अलग ही रहती है। दैन यहाँ पे मेरी मेहंदी लग गई माशाल्लाह से। एंड आप सबको भी ईद की बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत ढेर सी चीज़ें बनाएं, आप आपस में बहुत शेयर अप करें, मुझे इन्वाइट करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़, एंड टेक केयर, एंड विश यू वेरी हैप्पी ईद।